अब आया वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम आए गोपीज एरिया पे, आपको मेरे पीछे उनका बोर्ड दिख रहा होगा। जिनकी लोकेशन है वो है भाई बिल्कुल गोपाल जी फैब्रिक्स का, उसके सामने गली है, उसके अंदर इनकी शॉप है। मैं आपको शॉप भी दिखाता हूँ। और यार मैंने सुना है यहाँ पे मिलता है बहुत बढ़िया प्लेटर, पहले इनका प्लेटर ट्राई करेंगे। और मैंने सुना है इनका जो पिज्जा है ना, चिकन पिज्जा बहुत ज़्यादा फेमस है, हम चिकन पिज्जा भी ट्राई करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे वेज पिज्जा। तो आज और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको शेफ राहुल से मिलवाते हैं। सो गाइस, ये इनका लोकेशन गोपीज एरिया, आप मेरे सामने देख सकते हो भाई, पूरा एड्रेस आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। तो ये इनकी शॉप है, अंदर सिटिंग एरिया भी है। तो आज आपको मेकिंग दिखाते हैं। इनका मेन्यू आप देख सकते हो भाई, बहुत सारे आइटम्स हैं इनके पास। और बाय वन गेट वन फ्री का भी ऑफर चलता है वेडनेसडे और फ्राइडे। आप कोई भी स्मॉल और मीडियम पिज्जा लोगे तो बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। एक बार पीछे भी आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं पिज़्ज़ा की है, गार्लिक ब्रेड है, बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो फिलहाल तो इनका पिज्जेरिया प्लेटर और जो हमने अपना मेन्यू में से डिसाइड करा है, पनीर मखनी पिज़्ज़ा और चिकन पिज़्ज़ा भैया की मेकिंग दिखाएंगे, क्योंकि हम तो चिकन खाते नहीं। तो हम ये सारा आइटम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। जो पिज्जेरिया प्लेटर है मेन्यू के अंदर भी एडिट नहीं है, बट वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आके। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ से हमारे पिज़्ज़ेरिया प्लेटर की प्लेटिंग जो है स्टार्ट हो गई। सबसे पहले इसके अंदर हमारा डबल टॉपिंग का पिज़्ज़ा आया, जिसके अंदर अनियन और कैप्सिकम की टॉपिंग है। ये हमारा मिक्स सॉस पास्ता है गाइज, और ऊपर से इसके ऊपर भाई बहुत सारी टॉपिंग्स डाली जा रही हैं। टॉपिंग की डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पास्ता के बाद इसके अंदर हमारा बर्गर ऐड होगा भाई, बर्गर भी आपको खोल कर दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा बर्गर है इनका। और जिस प्लेटर का प्राइस है भाई वो है 300 रुपीज़, 299 का आपको प्लेटर मिल जाएगा, फुली लोडेड है भाई, कितने ही बंदे खा सकते हो बट वन टाइम मिलेगा। बाकी आपने देखा भाई ब्राउनी ऐड करी गई है, इसको हम हेजलनट ब्राउनी भी बोलते हैं इनकी। और भाई ये हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड, ऊपर से इसके अंदर थोड़े से फ्राइज ऐड कर दिए हैं। ऑलमोस्ट हमारा प्लेटर कंप्लीट हो गया है। और ये फ्राइज़ के ऊपर थोड़ी सी तंदूरी मायो डाल दी भाई, भाई देख सकते हो एकदम लोडेड कर दिया। और ऊपर से इसके ऊपर एक और टॉपिंग डाल रहे हैं, इसके बारे में आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा प्लेटर पूरा हो गया भाई, और साथ में कोक भी मिलेगी। सो गाइस हमारा प्लेटर कंप्लीट है, चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस ये चेक करो, हमारा प्लेटर बन के रेडी हो गया है भाई। इसके अंदर आपको बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं, साथ में कोक भी मिली है हमें। तो मैं आइटम दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो, ये हमारा डबल टॉपिंग का पिज्जा है। इसके अंदर आपको कैप्सिकम और अनियन की टॉपिंग दिख रही होगी। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं, ऊपर से इसको टॉपिंग डाल रखी है इन्होंने तंदूरी सॉस की और चीज़ ब्लेंड की। गाइस ये हमारा मिक्स सॉस पास्ता, ऊपर से चीज़ ब्लेंड की भाई टॉपिंग्स डाल रखी हैं, ये चेक करो। और ये इनकी गार्लिक ब्रेड है, चीज़ गार्लिक ब्रेड है, और बहुत सही लग रही है। एक बार सर चीज़ पुल करके देख लेते हैं भाई, गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड भाई देखो, लोडेड है एकदम। थोड़ी सी ठंडी होगी क्योंकि हम लोग फोटोज़ खींच रहे थे, मैंने बहुत से रील्स बनाई हैं, आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगी भाई। चीज़ तो देखो अभी भी आ रहा है, अंदर से लोडेड दिख रही है मेरे को एकदम, ये बढ़िया लग रही है। और साथ में हमें ब्राउनी मिली है, और ये भाई बढ़िया सा बर्गर, उसकी खुशबू आ रही है ना एक नंबर। तो भाई ये इनका बर्गर चेक करो भाई, फुली लोडेड है विद वेजीज, अनियन दिख रहे, टमाटो दिख रहे, बहुत सारी वेजीज़ हैं इसके अंदर। और जो इनका पिज़्ज़ा है ना वो भी भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, कोई बाहर से मार्केट से ला के पिज़्ज़ा यहाँ पे नहीं रखा गया है भाई, हैंड से अपने डो बनाए हैं, अपने खुद हाथों से डो बनाते हैं इसका और फिर सेल करते हैं। तो बाकी यार ओवरऑल प्लेटर तो मेरे को बहुत सही लग रहा है, प्राइस इसका है 299। चलो यार अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही, टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने पास्ता से, मिक्स सॉस पास्ता है भाई, ऊपर से चीज़ ब्रांड की टॉपिंग डाल रखी है भाई, देखने में बहुत शानदार भाई, गर्मा गर्म पास्ता, ये चेक करो भाई, मज़ा आ गया पास्ता खा के भाई, मिक्स सॉस का एकदम बढ़िया टेस्ट आ रहा है, पास्ता एकदम गर्मा गर्म है ना, 299 में बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को। तो मैंने पहला आइटम ट्राई करा, मेरे को भाई दिल आ गया इस प्लेटर के ऊपर भाई, एक और बाइट लूँगा मतलब, तो पास्ता भी मतलब तो बहुत सही लगा। और कितने बंदे शेयर करके खा सकते हो आप इसे, ऐसा कुछ नहीं है कि पर पर्सन है ये, पर ये आपको वन टाइम मिलेगा, कितने भी दोस्त आप इसे मिलकर खा सकते हो। क्योंकि मेरे तो अकेले बस की है नहीं इसे ख़त्म करना, तो मेरा फ्रेंड सागर हर बार की तरह आया है, वो मेरी हेल्प करेगा इसे ख़त्म कराने में। पहले मैं टेस्टिंग कर लूँ, फिर हम तो इसे भाई खा ही लेंगे। और आपको प्लेट में थोड़े से चेंजेस दिख रहे होंगे, मैंने अपने तो पिज़्ज़ा को 4 पीसेस में कट करवा लिया, तो मैं इसमें से एक पीस ट्राई करके देखता हूँ भाई। हाथ से बनाते हैं इसका डो, और भाई छूने में इतना सॉफ्ट पिज़्ज़ा लग रहा है, डबल टॉपिंग का पिज़्ज़ा है अनियन और कैप्सिकम के साथ। तो इसके बाद टेस्ट करके देखते हैं भाई, बहुत सही पिज़्ज़ा, बहुत टाइम बाद पिज़्ज़ा टेस्ट किया मैंने, वरना मैं तो बहुत टाइम से चाइनीज़ ही खा रहा था। वैसे जी आपको अंदर ही फीलिंग दिख रही होगी भाई, ये जो मेन बात आ रही है ना इस पिज़्ज़ा में, इसी वजह से आ रही है, टेस्ट है बहुत अच्छा, एकदम फ्लफी पिज़्ज़ा है भाई, जो सॉफ्ट डो एकदम सॉफ्ट, मैं मुंह में रखोगे एकदम घुल जाएगा, मतलब बढ़िया टेस्ट है एकदम यार भाई। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगी आपको स्प्लेंडर के अंदर भाई, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो खाने में। और इतने सारे आइटम्स यार, मैं तो सोच रहा हूँ क्या खाऊं, तो अब मैं सोचता हूँ भाई गार्लिक ब्रेड ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी हमने भाई दो चीज़ें ट्राई करी, दोनों मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो अब बारी है गार्लिक ब्रेड ट्राई करने की। ये देखो यार गार्लिक ब्रेड भाई, सुबह टॉपिंग्स अच्छी खासी हैं, चीज़ डाल रखा है, चीज़ थोड़ा ठंडा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे रील्स बनाए, पहले ही बता चुका था आपको। तो अगर इसकी बाइट लेते हैं
भाई गार्लिक ब्रेड में ना तभी मजा आता है उसके अंदर गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। मैंने बहुत ज़्यादा गार्लिक ब्रेड खाई पर यार गार्लिक का ना फ्लेवर ही नहीं होता, मतलब वो ब्रेड ब्रेड लगती है बट इसके अंदर गार्लिक का फ्लेवर भी आ रहा है, चीज़ भी है, टॉपिंग्स भी हैं भाई, मतलब कंप्लीट है पूरा। कितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम, पूरा दिल जीत लिया। एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे भाई। और यार जिस बंदे ने इसको बनाया ना भाई वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, फाइव स्टार में शेफ़ रह चुके हैं, शेफ़ राम आपको उनसे भी मिल लेंगे वीडियो के एंड में। तब तक हम पहले एक बार बाकी आइटम्स की टेस्टिंग कर लेते हैं। सो गाइज अब बारी इनके फ्राइज़ ट्राई करने की, भाई ये चेक करो। मैं तो हाथ से ही खाऊंगा फ्राइज़, मेरे को तो हाथ से खाने में इनका असली स्वाद आता है भाई। लाजवाब फ्राइज़ है भाई, नॉर्मल फ्राइज़ नहीं है ना, सॉल्टेड फ्राइज़ है भाई। मतलब कुछ ना यूनिक सा टेस्ट है इनका। जो ये मसाला फ्राइज़ बता रहे थे मेरे को कि जो इनके मसाले हैं खुद बनाते हैं, हैंडमेड मसाले हैं भाई, टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है नो डाउट। जो ऊपर से ना टॉपिंग्स डाल रखी है ये सॉसेज की भाई, ये इसके से टेस्ट और मतलब टेस्ट इनटू 100 हो गया है भाई, एकदम कंप्लीट है। कितनी बार बताऊँ मतलब मज़ा आ गया। वैसे ब्राउनी बची है मेरे, बर्गर तो फटाफट से मैंने उनको टेस्ट करता हूँ, साथ में आपको कोक भी मिलेगी भाई। गर्मी इतनी हो रही है इसके अंदर तो गुजारा है ही नहीं। सो गाइस अब बारी है हमारे बर्गर की भाई, बर्गर आप देख ही चुके हो तो मैं फटाफट से एक बार बाइट ले लेता हूँ इसकी। भाई बढ़िया टेस्ट, सारी चीज़ें अच्छी, बन जो एकदम सॉफ्ट है, मैंने एक बाइट लिया उससे पता लगा कि फ्रेश है सब कुछ। सो वेजेज तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि बन बहुत टाइट है, पुराना बन यूज़ किया भाई, सब फ्रेशली मिलेगा आपको यहाँ पर। मेन तो सॉसेज बहुत अच्छी हैं इनकी, और जो आलू पैटी वो भी बहुत सॉफ्ट है, कुछ रॉ टेस्ट नहीं आ रहा, वो एकदम बैलेंस टेस्ट मिलेगा आपको हर एक चीज़ का भाई। अब बारी हमारे लास्ट आइटम की जो कि है भाई ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी। अब ब्राउनी ये देखो भाई एकदम सॉफ्ट है, एक बारी में कट गई, वरना बहुत जगह पत्थर ऐसी ब्राउनी होती है, बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को तो वो पत्थर वाली ब्राउनी खाना, उसमें दांत दर्द रहता है, मज़ा भी नहीं आता। बेस्ट ब्राउनी आई हैव एवर ट्राइड भाई, एकदम सॉफ्ट मुँह में रखे घुल गई। और इसको चॉकलेट फज केक भी बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत चॉकलेटी भी है, और ब्राउनी खाना तो मेरे को वैसे ही पसंद है भाई। मैंने पूरा प्लेटर ट्राई करा, मेरे को हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी मेरे को जिससे मैं आपको कमी निकाल के बता सकूं। मगर यार कोक तो क्या ही टेस्ट करनी, सबने कोक टेस्ट करी रखी होती है, तो ये भी आपको मिलेगी, ये तो हम बाद में गाड़ी के अंदर भी तो निकलेंगे। बाकी चलो यार हमने सब ट्राई करा, अब चलते हैं पिज़्ज़ा की मेकिंग की तरफ। तो अब हमारे जो वेज पिज़्ज़ा है उसकी मेकिंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम आपको इनका भाई पनीर मखनी पिज़्ज़ा दिखाएंगे। और भाई हैंड टॉस पिज़्ज़ा होता है इनका, ये बेस में खुद बनाते हैं, बाहर से कुछ भी लेके नहीं आते, सिर्फ जो इनका चीज़ होता है वो बाहर से होता है, बाकी सारा आइटम इनका अपना खुद का हैंडमेड होता है। बाकी यार देखो बेस तुम्हारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अब इसके ऊपर सॉसेज आना स्टार्ट होंगी। तो भाई इसके ऊपर हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो हर एक पिज़्ज़ा के अंदर ऐड करते हैं, बाकी इनके कुछ सीक्रेट सॉसेज हैं उन्होंने मेरे को भी नहीं बताया, तो वो सारी सॉसेज ऐड हो रही हैं। तो इसके बाद भाई जो पिज़्ज़ा का प्राइस है ना यार बहुत कम है, सिर्फ 170 रुपीज़ है। अभी आप इसमें चीज़ पुल देखना, मैंने बहुत तारीफ सुनी है इनके पिज़्ज़ा की, तो यार इनका पिज़्ज़ा तो मेरे ख्याल से बढ़िया ही होगा। बाकी अभी देखते हैं ट्राई करके। भाई ये देख सकते हो ऊपर से भाई कितना सारा चीज़ डाल दे, चीज़ की पूरी बारिश हो रही है यहाँ पे, और बहुत सारी वेजीज़ भी आ रही हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कैप्सिकम ऐड हो रहा है। सो गाइस ये तो हमारा पनीर मखनी पिज़्ज़ा भी बन रहा है, इसके बाद हम एक चिकन पिज़्ज़ा भी बनवाएंगे, बट उसको कोई ट्राई नहीं करेगा, सिर्फ मेकिंग दिखाई जाएगी आपको, और मैं तो आपको पता है वेज ही खाता हूँ। तो और भाई अभी सावन में चल रहे हैं, सागर भी उसको ट्राई नहीं करेगा भाई। बट इनका जो नॉनवेज पिज़्ज़ा भी बहुत फेमस है भाई, ये देखो पनीर के एकदम बढ़िया बढ़िया पीसेस भाई एकदम से मैरिनेट करे हुए हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं, और उसकी खुशबू आ रही है भाई क्या लाजवाब भाई, बहुत सही। देखो ऊपर से और चीज़ आ गई, और ऐसा नहीं यार कि वीडियो के लिए इतना चीज़ डाला जा रहा है, आप यहाँ पे अगर डाइन इन करने आओगे तो भाई ये चीज़ आपको तब भी मिलेगा, और भाई एकदम बढ़िया पिज़्ज़ा है इनके। तो भाई अब तो हमारा यहाँ पे चिकन पिज़्ज़ा बन रहा है, मखनी पिज़्ज़ा हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। ये भी हैंड टॉस पिज़्ज़ा है भाई, आपको बेस मतलब इनका खुद बनाया हुआ मिलेगा, बाहर से कोई बेस यूज़ नहीं करता ये। और जो मेकिंग प्रोसेस हमारे चिकन पिज़्ज़ा का वो हमारे वेज पिज़्ज़ा की तरह ही होगा, सेम सॉसेज ऐड करी जाएंगी ऑलमोस्ट, बाकी बस जो टॉपिंग है वो चिकन की कर दी जाएगी, और चिकन भी एकदम ओवरलोड होता है इनका भाई, मज़ा आ गया। मेरे फ्रेंड्स ने पहले भी ट्राई कर रखा है यहाँ का पिज़्ज़ा भाई, बहुत तारीफ सुनी है मैंने तो। बाकी इस ट्राई करके देखते हैं, और यार बहुत टाइम से मेरा भी आने का मन था बट एग्जाम्स की वजह से मैं आ नहीं पा रहा था भाई। देख रहे हो एकदम लोडेड चिकन भाई, एकदम फ्रेश चिकन है इनका, पूरा लोडेड कर रखा है भैया ने भाई, एकदम लोडेड पिज़्ज़ा है हमारा। और ऊपर से थोड़ी सी और अनियंस वगैरह की टॉपिंग डाली जाएगी, और ऊपर से उसका थोड़ा सा और चीज़ इसके अंदर ऐड होगा। और गाइस जो इस पिज़्ज़ा का प्राइस है हमारा वो हमारा 170 रुपीज़ है दोनों का, वेज का भी और नॉन वेज का भी, आप कोई पिज़्ज़ा ले सकते हो। बाकी इनके पास और भी ऑफर्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में इनका मेन्यू दिखाया था, आप उसमें से कोई पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हो। तो चलो यार हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, इसका आपको चीज़ पुल करके दिखाता हूँ इन पिज़्ज़ा का। अब आया वो, फोटो ले जल्दी, दोनों में ले ले फोटो। डेली आपने पूरी मेकिंग देखी पिज़्ज़ा की, हमारे दोनों पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गए हैं। और भाई आप सबको बताते हैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब नॉनवेज खाता नहीं, बट इनका नॉनवेज इतना फेमस है ना इनके एरिया में, तो भाई मैंने सोचा आपको मेकिंग दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत से नॉनवेज व्यूअर्स भी हैं हमारे,
तो उनके लिए हमने पिज़्ज़ा बनवाया है। तो भाई जिनको नॉनवेज पसंद है वो पिज़्ज़ा आके ट्राई कर सकते हैं। बाकी यार मैं तो वेज लवर हूँ, तो भाई मैं आपको वेज वाला पिज़्ज़ा एक बार दिखाता हूँ, ये आप चेक करो भाई। पनीर मखनी पिज़्ज़ा हमारा 170 रुपीज़ प्राइस है इसका, ओवरलोडेड एकदम भाई, दिख रहा होगा चीज़ देख रहे हो आप, चीज़ फुल आपने देखा होगा, मुझे पानी आ गया होगा भाई, पक्का 100% गारंटी है मेरी। मैं दोबारा आपको चीज़ फुल करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई अभी भी देख रहे हो कितना चीज़ आ रहा है भाई। 5 से 10 मिनट हो गए इस पिज़्ज़ा को बने हुए, मैंने इतनी सारी रील्स बनाई है, फोटोज़ लिए हैं इसकी, भाई अभी भी चीज़ आ रहा है। पनीर के अच्छे खासे बड़े बड़े पीसेस लगा रखे हैं इसके ऊपर, पनीर अच्छा खासा भर रखा है, क्वांटिटी 170 के हिसाब से मेरे हिसाब से बढ़िया पिज़्ज़ा है भाई। बाकी एक बार टेस्ट कर देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। भाई एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है पनीर मखनी का। पनीर जो है ना, मतलब जो मसाले डालते हैं पनीर के अंदर भाई, एक नंबर चीज़ तो आप देख रहे हो भाई, अभी भी कितना सारा चीज़ आ रहा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, और चीज़ भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहा है तभी इतना बढ़िया चीज़ फुल आ रहा है। और आपने देखा होगा इतना चीज़ डालने के बाद भी चीज़ फुल नहीं आ पाता भाई, क्वालिटी भी बढ़िया है, क्वांटिटी भी अच्छी है, प्राइस भी एकदम कम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो यहाँ के शेफ़ है वो 5-स्टार होटल में काम कर चुके हैं, उनका यही एम था कि भाई सस्ते के अंदर वो बढ़िया चीज़ दे पाएँ, तो वो भाई वो कर रहे हैं। यार मेरी तरफ से तो बिल्कुल 100% ट्राई करना चाहिए इस पिज़्ज़ा को, मेरे को तो बहुत पसंद है सारे आइटम्स इनके। चलो यार आपको यहाँ के ओनर से मिलवाते हैं, तो भैया एक बार आना। सो गाइस ये हैं यहाँ के ओनर शेफ राहुल। तो भैया कैसे सोचा आपने स्टार्टअप करने का? सर मैंने IHM किए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना स्टार्टअप किया जाए। 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को होटल लाइन में, तो एक 5-स्टार लेवल पे मैं जॉब कर रहा था, तो क्यों ना एक छोटे लेवल पे भी एक स्टार्ट किया जाए, एक ग्राउंड लेवल से काम करना चाहिए। तो कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को सर 7 ईयर हो गया काम करते हुए, और मेरी शॉप को 2 ईयर होने वाला है, कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 22 अगस्त को 2 ईयर हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी भी पिज़्ज़ा तो मैंने ट्राई करा, पिज़्ज़ा तो मेरे को बहुत जानदार लगा, मज़ा आ गया पिज़्ज़ा खा के। तो मतलब जो टेस्ट आता है ना पनीर मखनी पिज़्ज़ा, एकदम बैलेंस टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया पिज़्ज़ा भाई। चीज़ फुल आप देख सकते हो अभी भी कितना चीज़ है। पिज़्ज़ा की थोड़ी हालत मैंने ख़राब कर दी रील निकालने के चक्कर में भाई, कंटेंट बनाने का पता है कंटेंट क्रिएटर से ये काम हम करते ही रहते हैं। बट यार जो जेन्युइन टेस्ट है ना पिज़्ज़ा का भाई, बहुत सही, जो आप इनका बेस है हैंड टोस्ट एकदम खुद बनाते हैं सारा भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। और भी हाँ मैं बताना चाहूँगा, इस बेस के अंदर मतलब इस पिज़्ज़े के अंदर सिर्फ चीज़ बाहर से लेके आते हैं हम, अदरवाइज बेस टॉपिंग्स सॉस सब खुद की अपनी हैंडमेड है सर। हाँ जी रेडीमेड, रेडीमेड कोई कुछ भी यूज़ नहीं है इसके अंदर। खा के पता लगेगा जिसको बंदे को नॉलेज होगी ना पिज़्ज़ा खाने की भाई, वो एक बाइट में पहचान जाएगा कि जो टेस्ट एकदम ऑथेंटिक टेस्ट है, असली पिज़्ज़ा का टेस्ट यही होता है। मतलब बड़े ब्रांड्स को भी टक्कर दे रहे हैं इनका पिज़्ज़ा, नाम तो हम नहीं ले सकते ऐसे किसी की वीडियो में, बट भाई जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके पूरे टक्कर का, उनसे अच्छा ही बोलूँगा मैं, उनसे अच्छा पिज़्ज़ा है इनका भाई। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया एकदम। इसका सर प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 170 सर। मतलब भाई वैल्यू फॉर मनी, इससे तो और क्या लोगे भाई, 170 में इतना सब कुछ मिल रहा है आपको भाई, मज़ा ही आ गया बिल्कुल भाई। बाकी भाई शॉप टाइमिंग्स क्या रहती हैं? शॉप टाइमिंग अपनी रहती है 12 to 11 PM। पिज़्ज़ेरिया प्लेटर वो हर टाइम मिलेगा? पिज़्ज़ेरिया प्लेटर एनी टाइम अवेलेबल होगा, शॉप ओपन है तो पिज़्ज़ेरिया प्लेटर भी अवेलेबल है। बताना चाहता हूँ सर, ये जो हमारा पिज़्ज़ेरिया प्लेटर है ये ओनली डाइनिंग है, मतलब बैठ के खा सकते हैं, घर लेके जाने के कोई उसमें। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है इनका पिज़्ज़ेरिया प्लेटर भी, सारे पिज़्ज़ा भी भाई। चिकन पिज़्ज़ा मैंने बहुत तारीफ सुनी, मेरे को बहुत से व्यूअर्स ने भी इंस्टा पे DM करा था, और बाकी यहाँ के लोगों ने भी बताया, भैया ने भी बताया, और बाकी यार बाकी वेज आइटम तो मैंने सारी ट्राई करी भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई बिल्कुल आके आप ट्राई करना। चलो यार अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।